अब फैन हो जाएगा बंद हो जाएगा। अच्छा मैं बता ऐसे जैसे मेच्योर लड़के भाई बात कर रहे कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे ना, फिर लगता कि थोड़ा आज हम बात करने वाले कितनी अलग बात वीडियो दिखाऊंगा। हाँ अलग ही है। वेलकम टू नंबर वन पॉडकास्ट है ये आफ्टर टू ईयर नंबर वन पॉडकास्ट एपिसोड टू एपिसोड टू नहीं एपिसोड हमने रखा था लेकिन एपिसोड अजीब हो गया तो फिर पहला एपिसोड मैंने रिटर्न किया होगा किसी वजह से तो एपिसोड में नहीं चलेंगे हम बस नॉर्मल जब भी मौका मिला हमें एक पॉडकास्ट बनाएंगे जो आप ये देख रहे हैं फ्रेम देख रहे हैं जहाँ वीडियो बना रहे हैं इंट्रोडक्शन करवाएं अपना नाम सबसे पहले जिस फ्रेम में हम आ रहे हैं मतलब यकूब भाई का क्रिप है ये बेटक बेटक कॉलेज फ्रेंड है सेकंड ईयर में आए थे ना और डॉक्टर साहब है डॉक्टर साहब का भी हो गया ये हमारे यकूब भाई है सही है इस नमूने को तो आप जानते होंगे ओह अच्छा इस भाई को तो आप जानते होंगे सही है। तो आज हमने सोचा कि एक पॉडकास्ट बना लें तो आज की इस पॉडकास्ट में ना बेसिकली हम आजकल काफ़ी टॉपिक्स हैं हम कवर करने लिए जैसे कि मेन जो हॉट टॉपिक चल रहा है अभी फिलहाल वो है मीनारे पाकिस्तान। ओह बॉय मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आई एम अशेम टू बी अ मैन सही है फर्स्ट ऑफ ऑल किन लोगों ने लगाया किन लोगों ने लगाया भाई लेकिन जो है दोनों की तरफ से गलती थी और मतलब मैंने सुना है मुझे कंफर्म तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते लेकिन वहाँ पर जैसे एक वो था जो आदमी उस वक्त उधर मौजूद था तो वो उसने मतलब एक पोस्ट डाली थी कि ये जो है उसने खुद मतलब वहाँ पे वो चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो शुरू लेकिन हो नहीं पा रहा था ऐसा मतलब काफी वो करके करवाया इस तरह कि तो, पब्लिक से हाँ लेकिन अब जैसे है कि अगर कोई कुछ चाह रहा है तो आप जरूरत में उस पर करेंगे तो सेकंड थिंग जो फेमिनिस्ट मेरे ख्याल से तो सारी फेमिनिस्ट कहेंगे कि ऑल मैन ऑल मैन इसके बारे में कैसे इसके बारे में आज मैं सुनी अब देखो हरकत जो है ना वहाँ गलत हरकत है मतलब 100% मतलब कोई भी अगर कोई अक्लमंद इंसान होगा ना वो डिसएग्री करेगा जो भी वहाँ पे होगा एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए सही है। अब ये तो नहीं कह सकते कि ऑल मैन वगैरह देते हैं अब ट्विटर पे हैशटैग चल रहा था ऑल मैन ना अब मैं ये भी नहीं कहता कि तुम लोग ऑल जाओ ट्विटर पे हैशटैग चलाना शुरू करो तो ऑल मैन ये भी गलत है या तुम अपनी ईगो दिखा रहे हो कि भाई नहीं नहीं ऑल मैन ऐसे नहीं होते। अब दूसरी बात कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई भी बंदा नहीं था कि जो ये कहे कि हाँ यार आयशा के साथ अच्छा हुआ ऐसे ही होना चाहिए था जिसने भी ये खबर सुनी है ना मतलब डिस्कस्ट हुए वो कि भाई मतलब इतनी गंदी हरकत क्यों ये क्या होता है उसकी फैंस थे ये सारे टिकटॉक उसकी फैंस थे क्योंकि देखो टिकटॉक ना एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फैन मतलब पीछे से यार जैसे वो अफलीन ने वीडियो देखा था वो वाली वीडियो बहुत सही थी कि भाई टिकटॉक को जहाँ एजुकेशन नहीं आई ना वहाँ इंटरनेट पहले आ गया और इंटरनेट यूज करने के लिए एजुकेशन जरूरी होती तो जिनके पास एजुकेशन नहीं है मतलब अब गलत वे में नहीं लेकिन फिर भी जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो अब जब यूज करेंगे तो ऐसा ही होगा ऐसे ही। अब हम लोग भी लाइक हैं सारे लड़कों की इज्जत करते सही है ना लड़कों की नहीं सॉरी लड़कियों की इज्जत करते हैं लड़कों की इज्जत क्यों करें बल्कि करते हैं यार इतना सीरियस टॉपिक चल रहा था सही तो हम है ना सही है हमारे सिखाया गया हमें कि भाई लड़कियों की किस तरह इज्जत करनी चाहिए। अब ऐसा कोई मतलब सारे डिस्कस्ड हुए थे ये बात सुन के लेकिन अब क्या आ रहा है कि भाई आयशा ने पब्लिक सिटी स्टार्ट किया था ये सुनने में आ रहा है अब जैसे लाइक इससे पाकिस्तान की इमेज को बहुत डैमेज बहुत डैमेज हुई है पाकिस्तान की इमेज कि भाई अच्छा आजकल तो मतलब इतने केसेस आ रहे हैं इस बात के इतने केसेस आ रहे हैं ये
जबकि अमेरिका में पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा रेड रेस होते ऐसे ही क्योंकि वो हाईलाइट नहीं करते वो लोग मीडिया पे, लेकिन हमारा मीडिया बहुत मतलब गलत है, मैं मानता हूँ मीडिया गलत है, हमारा मीडिया गलत है और होता भी है। लेकिन अब रेपिस्ट की सजा हमने क्या रखी है तुम्हें पता है सजा क्या रखी है, हमें फांसी फांसी की सजा नहीं रखी है, मतलब शरिया लॉ में तो फांसी की सजा है लेकिन हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। वो शाबिर जाफरी कौन सी पोस्ट, ये शाबिर जाफरी ने मतलब पोस्ट की थी ना सही ओके तो भाई लाइन सही है ना, क्या होता है मैं ये पोस्ट पढ़ रहा था सही, शाबिर जाफरी ने लाइक मैं यहाँ अटैच कर दूंगा ये पोस्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो अहमद भाई आईफोन 10 सब लड़के बोलते हैं मोबाइल तो नीचे गया, इट्स ओके कोई बात नहीं मोबाइल है चल रहा है चलने दो, हाँ चलने दो तो क्या करना है, दैट्स इट, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब कि इफ वी आर रॉन्ग, और मैंने देखा कि काफ़ी लड़कियां कहती हैं ना मतलब पोस्टर कर रही हैं कि तुम्हें लगता है कि मतलब लड़के इस बात से बहुत मतलब डिस्कस्ड होते होंगे, हमारे को क्या फील होता है ये वो, हमारे तो हमारे पास जो जो गलत है हमारे दोस्त हैं लाइक हमारे सिस्टर हैं मतलब वो भी यही कह रही है कि लाइक हुआ गलत है हुआ गलत, लेकिन वो जो उसने किए मतलब वो भी गलत, उसने पता क्या किया 14 अगस्त को हुआ ही सीन, 15 को उसने लाइक अपलोड की फोटो शोटो सब कुछ, 16 को जब 17 को वीडियो वायरल हुई उसके बाद उसने उस रात को एफआईआर का एफआईआर भी वापस ले, फिर वो भाई वीडियो बना रहे हैं वो उसके जो मंगेतर है उसके साथ, मंगेतर नहीं है वो मंगेतर हां मंगेतर नहीं दो मंगेतर फ्रेंड से हमारा भी मतलब इससे ज्यादा तो हम कोई बात नहीं कर सकते इसमें, इफ यू डिसएग्री ये हमारा पार्टी सही है एक तरीके से, कोई फेमिनिस्ट आ जाए नहीं नहीं कैंसिल करो हमारी फोटो आधी रात कैंसिल हो जाए, सरेआम वाले को हेट मिल रहा है, हेट मिल रहा है इरादा हसन को बिल्कुल, मेरे को इस बारे में मतलब सीन के नहीं पता कि उसने सिर्फ ये हुआ कि वो जो मीनार पाकिस्तान वाले सीन है वो पहुंच गया था उसी दिन पहुंच गया था बगैर किसी तहकीक के ना, लेकिन ये दोनों उधर नहीं आए थे जहाँ पे वो हाईवे वाले केस हुए, लोग यही कह रहे सारे हाईवे वाले केस हुए था वहाँ भी, मतलब और भी केसों में नहीं आए पहुंचे, हाँ यहाँ पहले पहुंचे हमें ये वो है ना क्या बोलते हैं उसको कॉन्टेक्ट चाहिए होता है शायद शायद क्योंकि वो लड़का जो है प्योर से जो भी है उसका वो मेरे से सरेआम काम, लेकिन वो सरेआम में काम करे सरेआम की बहुत टीम मतलब बड़ी टीम है, कोई भी मतलब अच्छा काम कर लो तुम सरेआम की टीम की तरफ से, लेकिन उसको जानता तो थोड़ी नहीं मतलब उसको थोड़ा सोर्स तो होगी ना उसकी कि भाई बुलाया हो क्या पता, नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे ही आया थे शाम वो कंटेंट के लिए कंटेंट के लिए मतलब वो भी पहुंच गए थे मतलब उर्दू पॉइंट वाले जैसे कुछ गलत तो बोला नहीं उसने, मतलब बिल्कुल बहुत गलत बहुत गलत हरकत की है जिस तरह वो उसकी वीडियो देखी ना तो सारे मतलब ये पाकिस्तान है, लेकिन देखी तूने नहीं वो देखियो वो बहुत मतलब एक्सप्लेन किए गए उसमें, ये एक्सप्लेन नहीं कि वो बोल रहे पानी में उतारो इसको ये करो वो बहुत मतलब बहुत जाहिलियत वाला काम, एक लड़की और उसके आगे पीछे और दूसरी मैं बात के मतलब इतने सारे हैं चलो उसमें से एक बंदा भी आगे नहीं आया कि भाई उसको रोके मतलब नहीं करो नहीं उसने बताया कि आखिर में बिल्कुल जब वो मतलब कह रही थी मैं बिल्कुल मतलब मरने वाली हालत में आ गई थी तब एक बच्चा आया और उसने पानी इसको पिलाया और उसने मतलब उन लोगों को कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग पागल हो गए हो वो मरने वाली है तो वो और उस पर से वो लोग कहते कि नहीं ये नाटक कर रही है ये बहुत मतलब, लेकिन एक तरीके से देखा जाए उसकी अब तुम वहां चले जाइए कौन से फेरी हॉल है ना वहां पे टिकटॉक ये सबसे बड़ा मसला टिकटॉक है सीरियस टॉक सबसे बड़ा सीरियस लाइक मतलब टिकटॉक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है टिकटॉक वो नसीर बन गया शुरू किया देखना दो घंटे लगातार स्वाइप करते जाओ, अब इंस्टाग्राम ने भी ये सीन ले आया और
मतलब यूट्यूब ने भी ये सीन लिया है, लेकिन क्या सीन है अब इसको किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर सही यूज करोगे वो सही जाएगा, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को गलत यूज करोगे गलत जाएगा। बट देखा जाए पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होनी चाहिए या फिर जो ऐसी वीडियोस टाइप बनाते हैं जो बैन होने का तो मतलब वो नहीं है क्योंकि लोग तो यूज कर लेते हैं फिर भी लगाने से, लेकिन यार ये जो कंटेंट मतलब ऐसे लोगों को जो वो उसने भी बोला था एक वो यार वो जो हीरा कौन सी है वो उसने भी बोला था कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए क्योंकि हमारे नहीं वो मतीरा है यार मतीरा नहीं यार मतीरा है वो यार वो I'm a so big fan मतीरा का बहुत बड़ा मैं मतीरा नहीं हां मैक मलिक नुमान खान जान दो उससे पहले था उसको देख ले वो हेलो गाइस मेरे पीछे शेख रशीद पड़ गया मैं ये सोचता हूं पाकिस्तान ऐसे लोग मतलब है अभी एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्ट मैं खुद ये इसके देखने के बाद ये मेरे टिकटॉक बहुत कोई क्रिंज यही बात की थी अभी पहले एजुकेशन से पहले नेट आ गया ना जहां तो वो मतलब कुछ भी वो जो आता है शाही बाल वो जो पत्थर जो तोड़ता है भाई जान गुजारा करो यार पत्थर बहुत बहुत अजीब कंटेंट बहुत अजीब कंटेंट लेकिन काफी टैलेंटेड मतलब टैलेंट भी है काफी मतलब बैक फ्लिप मैंने अब मैंने टिकटॉक इतने यूजर्स नहीं देखे लेकिन काफी फनी भी है टैलेंटेड भी है वही बात के भी है टिकटॉक बैन करने से कुछ नहीं होगा जो अजीब कंटेंट क्रिएटर्स हैं कंटेंट क्रिएटर्स भी नहीं कह सकते हैं तो कंटेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जो है वो है भाई अफगानिस्तान ये भाई दो पटान भाई है भाई ये ओके हम इसको बिठाया भी बीच नहीं अच्छे अच्छे लोग हैं अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं होप सो यार क्यों दूर भाग रहे हो ओके कुछ नहीं कर रहे तुम तो अ लॉट ऑफ पीपल अगेन इस खिलाफ है कि यार मतलब तालिबान अभी अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाएगी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे अच्छा हुआ इस्लाम है लाइक नाम आए सही है इस्लाम तो आया होता लाइक मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेहतर हुआ है आफ्टर 12 या कितने साल बाद अमेरिका ने मतलब वहाँ से हाँ 20 या 15 12 इतने 20 साल 2001 में आए हाँ तकरीबन 20 साल बाद इन लोगों ने छोड़ दी ये तो एक तरीके से अफगानिस्तान को रिलीफ भी मिला लेकिन अब वही सुनने में आ रहा है कि अपना गवर्नमेंट है ना उसको चलाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा मसला आएगा क्या पार्टी थी क्या मतलब जो कहते हैं तालिबान आए क्या सीन है मेरे ख्याल से तो अच्छा है आना चाहिए लेकिन अगर वो उसी तरह से जिस तरह मतलब शरिया लॉ को इम्पोज करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा है सारे इस बात से आए अगर वो शरिया लॉ क्योंकि वो आए सब कहते हैं कि वो ये सीन करेंगे मतलब अप्लाई करेंगे इस तरह की उनकी पहली वो गवर्नमेंट ने सुना है कि वो अच्छी थी और मतलब उसमें क्राइम रेट भी काफी कम हो गया था लेकिन वो औरतों के लिहाज से वो काफी मतलब बुरी रही थी और हजारा कम्युनिटी के लिए भी वो काफी बुरी रही थी तो मतलब अभी तो खैर उस तरह से नहीं नजर आ रहा काफी कम नजर आ रही वो चीज लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते इंशाल्लाह कोई पर बहुत सारे लोग मतलब वो लोगों को वो भी कर रहे हैं हेट कर रहे हैं कि मतलब क्यों आए तालिबान ये एक वजह से क्योंकि वो जो सिविलियंस जा रहे हैं मेरे को उस प्रॉब्लम को पता ही नहीं है वो तो उनका वो उस टाइम पर क्योंकि एयरपोर्ट भी जो था वो अमेरिका के कंट्रोल में था ना तो वो उन्हीं की सारी गलती है मतलब वो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए सीन के समझ नहीं आया वो क्या हुआ मतलब कि सिविल मतलब वो जो वो लोग डर गए थे वहां के जो लोग थे जो अमेरिका के साथ थे अमेरिका के टाइम पर तो वो लोग डर गए थे कि अब तालिबान आ जाएंगे तो अब हमें वो मार देंगे छोड़ेंगे नहीं तो वो सर से वो भाग रहे थे और वो जहाज लटक के उसके छतों पे चढ़ के वो लड़का भी वो वीडियो देखी थी ना तो हां के देते वो फुटबॉलर था किसी अफगानिस्तान की टीम का तो वो भी डर के जा रहे थे जहाज के साथ बाहर लटक के जा रहे बस ये फनी नहीं है बट देखो देख के काफी फनी लग रहा था वो जहाज के अंदर का सीन था ये तो वो बाहर के जहाज के अंदर का एक सीन था वो इस तरह का था जैसे वो बस के अंदर भर के पूरे दरवाजे तक पहुंचे
इज नॉट फनी दिस इज नॉट फनी ओके सीरियस टॉपिक है तो ये नहीं वो वीडियो मैंने नहीं देखी मुझे लगता है कि जा रहे थे वो हाँ वो मतलब वो जहाज वो रनवे पर था टेक ऑफ करने के लिए और उसके पीछे पीछे भी भाग रहे थे कि जैसे वो उनको साथ लेकर चला जाएगा मतलब तालिबान आ रहे हैं मतलब वो तो नहीं कर रहे मारे वैसे तो उन्होंने माफी का ऐलान कर दिया था ना एक वो लोग डर गए थे अमेरिकन और इंडियन मीडिया ने मतलब तालिबान को बहुत बुरा दिखाया हुआ है ना इस वजह से लोग मतलब हाँ उस वजह से भी लोग डर गए थे और कुछ पहला उनका जो इम्प्रेशन था वो भी काफी खराब रहा था आफ्टर कॉलेज लाइफ का किसी आफ्टर कॉलेज लाइफ तो सीन यही है कि सुबह उठो नमाज पढ़ो एंड या सो जाओ घर भी बैठे रहो हमारा तो 24 घंटे तुम्हारा कैसे है यही नहीं मेरी तो सुबह क्लास होती है एमकैट की ऑनलाइन होती है अभी तक तो लेकिन अभी कुछ टाइम में शुरू हो जाएगी दो तीन दिन में मेरा ये सीन है कि वही सुबह उठो लाइक मेरा ऐसा सीन हो गया मैं रात को 3 बजे से कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं बस क्या YouTube, ऐसे ही लेकिन मैंने देखे आफ्टर कॉलेज ना काफ़ी लड़की लाइक कॉल सेंटर में लग गए काफ़ी लाइक इंग्लिश क्लासेस लेना शुरू कर दी यार जो पढ़ने वाले लग गए लेकिन अपना क्या सीन है ना मैंने जॉब तो करनी है सीधी जॉब हमसे नहीं होती जॉब करोगे नहीं जॉब जॉब नहीं होगी लेकिन हमारा क्या सीन है बिजनेस का सीन है और जो कॉलेजेस और स्कूल्स में हमें ये नहीं सिखाया जाता मुझे पाकिस्तानी एजुकेशन में सिर्फ यही मसला लगता है कि हमें ना हाउ टू इन्वेस्ट मनी इस तरह की नॉलेज देनी चाहिए हमें थोड़ी सी मनी जो सारी है वो रट्टा बेस रट्टा बेस बिल्कुल रट्टाफिकेशन हमारा एक बुक दी ना बुक हाई लेवल की हाई लेवल की बुक दी है वो 1984 को पढ़ा रहा है हमें सारा वो फ्लोवर डे वगैरह कंप्यूटर की बुक चेंज हुई वही अब मेरे को घर वाले कह रहे हैं आगे तुम्हारे क्या प्लान है आगे मैंने कहा अच्छा वैसे अगर मतलब घर वाले ने कहा इन सीरियस के भाई आगे क्या करना है मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर लाइक मुझे सर ने भी बोला और काफ़ी ने बोला कि सॉफ्टवेयर करो क्योंकि आगे उसका स्कोप अच्छा है लेकिन मैं क्यों नहीं अब बिल्कुल फोकस की नहीं क्योंकि जब मैंने मैट्रिक कर ली थी मैं कॉलेज आ रहा था मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है कंप्यूटर साइंस इसलिए करनी है कि भाई कंप्यूटर अगर कुछ कंप्यूटर का पता हो ग्राफिक कार्ड और ये i7 जो भी है ना तो मैं इस लिहाज से आया था कि भाई हमें सिखाया जाएगा ये जब हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आए सही है हमें क्या बताया जा रहा है फ्लॉपी डिस्क क्या होती है याद है कौन सी सेट है कौन सी कौन सी सेट है यार वो सर नाम काट देंगे कोई मसला नहीं है हाय सर तो वो एक बैग लेके घूमती थी उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क पड़ी होती थी उनकी भाई भाई वो उनसे अगर कोई उल्टा सवाल पूछना उल्टा सवाल से मतलब कि सर ये मतलब SSD क्या होती है ये होती है बोलते जो तुम्हारे टॉपिक में सिर्फ वही पढ़ो आगे भागने की जरूरत नहीं है ये हमारे एजुकेशन लाइक टीचर्स की भी गलती नहीं है ना कॉलेजेस की गलती ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है हमारा जो लाइक तालीमी निज़ाम जो है उनकी गलती है लाइक वी रियली नीड टू चेंज अवर एजुकेशन सिस्टम तुम्हें क्या लगता है ये मेडिकल के स्कोप वगैरह क्या पढ़ाया कुछ आया कुछ समझ आया कुछ ज़्यादा मतलब ये था रट्टा फिनिशिंग करने का सारा मतलब एक भी जो मेन जो होता है ना कि मतलब रट्टा मारो क्योंकि हमें एक चीज दिखाई जाती है शुरू से कि अच्छे नंबर लेने हैं मतलब क्योंकि और ये भी बात है कि हम क्योंकि एग्जाम में वो जो चेक करेगा तो वो हमारी नॉलेज नहीं देगी तो वो जो देखेगा जो उसको सामने जो लिखा हुआ तो वही बात है कि हमें फिर रट्टा ही मारना पड़ता है अब अगर हमारा कोई इस तरह का मतलब सिस्टम होता कि जिसमें हमारी नॉलेज देखते हैं या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बेस्ड होता वो तो ऐसा है कि हमारा एक रटाफिकेशन है और वो जो रटाफिकेशन है ना वो भी आगे काम भी सीखनी है बिल्कुल वो बस याद वो करो तब पेपर ही होता है जब पेपर तो वो तो हम पेपर के दरमियान भी भूल जाते हैं एडी बताते आगे मैं खुद कर लूंगा जैसे सीन और मतलब आगे फिर हम तो और बहुत बहुत बैड सीन है फिर तो एजुकेशन का अपने मुल्क में बहुत बैड अपने नहीं मतलब काफी मुल्कों में वैसे सीन है लेकिन हमारे यहाँ पे हमारा ज्यादा सिंध में ही पंजाब में फिर भी काफी बेहतर निजाम है पंजाब में वो बताया ना कि मेरे को किसी ने कल बोला एक महीने बाद रिजल्ट रिजल्ट आएगा फर्स्ट ईयर का हमारा सितंबर में आएगा सितंबर में नहीं अगले महीने में नहीं अपना सेकंड ईयर वाला
कब सर को जो उम्मीद भी नहीं है ना अभी तो मैट्रिक का कुछ पता भी नहीं है मैट्रिक का या फिर अपना है अभी हमारे फर्स्ट ईयर के हमारे पेपर भी बनने कैसे लिए कि भाई कोविड की वजह से सिर्फ तीन पेपर लिए और बीच में दो लिए फिर एक दो लिए फिर कोविड की छुट्टी आ गई फिर उसके बाद एक पेपर लिया अब पंद्रह रिजल्ट का भाई अभी पांचवी लहर आ रही है अब पांचवी लहर आ रही है फर्स्ट ईयर वाले ऊपर सीट पे फर्स्ट ईयर वाले गए अब एक नंबर को प्रमोट कर दें और ये प्रमोट कर देते हम लोगों को जान छोड़ दे एक ही बार प्रमोट करो जान छोड़ो नहीं देखो हमने मेहनत की हमारी तो 60 से ऊपर परसेंटेज इंशाल्लाह इंशाल्लाह कितना किया था पेपर आखिरी पेज तक आखिरी पेज तक भरा था कोई एजुकेशन के बारे में एजुकेशन के बारे में ये सीन है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो नहीं और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए अंग्रेजों के हमारे पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं नो 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 नेवर नहीं वे वे ये नहीं यस तुम्हारा किस लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से अच्छी भी एक तरह से नहीं भी अच्छी मतलब दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों है कौन सी तुम्हारे कौन क्या है इसमें जरा मुझे बताओ इसमें मतलब जिस तरह से लड़का लड़की का साथ होना और मतलब इतना टाइम रहना नहीं अच्छा जिस तरह से अगर उस तरह बोल ना थोड़ा लाइक प्रोजेक्ट्स में हेल्प हो जाती है लड़कियां अच्छे प्रोजेक्ट बना सकती है यार वो कॉलेज की बात अलग होती है ना कॉलेज मैंने गर्ल से किए कॉलेज किए यहाँ पर अपने बॉयज किया था स्कूल तो इसका सीन पता क्या है अब बॉयज स्कूल है ना वहाँ पे सुबह उठो टेंशन नहीं कैसे लग रहे हो उठो और चले जाओ मसला नहीं लड़के लड़के लेकिन जो होते हैं कोर्ट कॉलेज होते हैं आते हैं क्या करते हैं आते हैं तंगी करो ये करो टाई यूनिफॉर्म टाइट होना चाहिए क्यों भाई सामने बेशक बात नहीं है आपने सामने बैठना जरूर है तो फिर वो होते ना एक इमेज होती है हमारी फर्स्ट ईयर में मैं बहुत बॉर्मा टाइप बच्चे कहते हैं मुझे बस फर्स्ट ईयर में तो बहुत बोर टाइप था लाइक सेकंड ईयर में मुझे खुद नहीं पता इन मैट्रिक ना मैं बिल्कुल ये क्यों कि तेरी बैठक हो गई थी हमारे साथ बैठ तू मतलब हर वक्त हमारे साथ ही होता था फिर हम तफरी में फिर हमने मतलब सेकंड ईयर बहुत एंजॉय किया लाइक सेकंड ईयर हमने बहुत एंजॉय किया हमारे देखा जाए तो लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स और लाइक बहुत कुछ सीखने को और ये वो अब मेरे इंस्टाग्राम में तो आते ज़्यादा फॉलोइंग कॉलेज लाइक कितने सारे इंस्टाग्राम से याद है अंतिम को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें प्लगइन चेक कर भाई अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कोर्ट कॉलेज मतलब कोई फायदा ही नहीं है कोई लाइक सेपरेट सेक्शन हो बॉयज का जिसमें सारे मेल्स टीचर हो सेपरेट सेक्शन हो गर्ल्स का इससे क्या होगा लाइक लव स्टोरीज बहुत कम हो जाएंगी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मतलब लव स्टोरी तो वैसे भी हो जाएगी अगर होनी होगी बाहर खड़े भी होते हैं लोग ये आफ्टर जब बॉयज स्कूल होती है ना आफ्टर मतलब छुट्टी तो भाई सारे लोंडे लपारे वहाँ होते हैं क्या सेंट जोसेफ था शायद गर्ल्स का कॉलेज ना वहाँ खड़े होते थे अपने बॉयज मैं नहीं गया सीरियसली मैं कभी नहीं गया कैसे पता मेरे दोस्त जा रहे थे दोस्त का नाम मतलब वो मारेगा पकड़ के वो कहेगा तू और चलो अब YouTube का क्या सीन है हमारे फ्यूचर प्लान क्या है क्या सीन होगा हमारा फ्यूचर प्लान सबसे पहले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हफ्ते में एक ना एक वीडियो आए उम्मीद है ये हम डेली बोलते हैं ऐसी चीज सीन नहीं अब क्योंकि अब जगह भी है बना सकते हैं हम YouTube का हमारा फ्यूचर प्लान्स ये है कि ना डेली नहीं तो वीकली अपलोड करेंगे हम सही है आइडियाज़ देखेंगे सबसे पहले हमारे जो मेरा जो सीन है ना मैं कहता हूँ कि वीडियो बिल्कुल HD क्वालिटी हो मतलब जैसे अब
बड़े यूट्यूबर बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना उनकी तरह बिल्कुल लाइक स्मूथ एडिटिंग कैमरा बड़ा कैमरा यहां से लाइट वहां से अरे भाई अभी स्टार्ट में बिल्कुल नहीं होगा जाहिर सी बात है पहली वीडियो दूसरी वीडियो हमारी इसकी साउंड क्वालिटी ये जो हमारी पॉडकास्ट है इसकी साउंड क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही लेकिन हम बना रहे हैं क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम अ बॉटम ऊपर जाके चिल करेंगे हम इंशाल्लाह आई होप सो समथिंग आई फील लाइक मतलब मैं बहुत सक्सेसफुल आदमी बनूंगा मेरे को ऐसा लगता है इंशाल्लाह पर अब देखो फिलहाल तो कुछ भी नहीं हमारे पास ओके गाइस दैट्स इट सो ये यही पॉडकास्ट थी हमारी लाइक कुछ डिफरेंट टॉपिक्स लिए हमने कभी टॉपिक्स हट गए अगर कुछ गलत लगा हो तो हाँ कोई वर्ड या हमारी कोई बात बुरी लगी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बुरा लगा हुआ माजरत वी कांट डू एनीथिंग सही है इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट सही है तो जरूर कमेंट करें गिव थम्स अप तुमने देख थम्स अप नहीं चाहिए मुझे कमेंट चाहिए लाइक जितने भी देख रहे हैं जितने भी लाइक कमेंट करो कुछ ना कुछ कमेंट करो अगर हमारी वॉइस अच्छी नहीं आई हमारे हमारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तब भी कमेंट करो पर कमेंट करो जरूर सही है एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि हमारी एक घंटे या दो घंटे कोई पॉडकास्ट देखेगा पूरी घंटे की भी नहीं होगी लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओह माय गॉड लव यू व्हाटएवर लव यू होप सो इन फ्यूचर हम लोग इस तरह चेंज करके कोई हॉट टॉपिक्स की जैसे कोई भी टॉपिक आगे हमने हफ्ते में एक बार या महीने हाँ आते रहते हैं पाकिस्तान में तो वैसे आज हमारे पाकिस्तान में कल कायद आजम का मजार हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा वो तुमने देखा था उसका मजार भी हुआ था इंस्टाग्राम पे फॉलो करें सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा डिस्क्रिप्शन जाके खोलें और कमेंट करें लाइक करें शेयर करें विद योर ऑल फ्रेंड्स सही है होप सो यू लाइक दिस वीडियो We are back on YouTube and hope so this journey is gonna be fun. So yeah, hope so, inshallah. See you later. Peace out.